जय हिंद। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पूरे मई के महीने में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, मैं वो सारे लेकर आया हूँ। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना। 15 मिनट का अपना टारगेट रहेगा। हम ये पूरी क्विज के फॉर्म में क्वेश्चन को कवर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हमारी क्लास रहने वाली है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जरूरी नहीं केवल CISF या SSC, सभी वन डे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं ये मानकर चलूंगा आपने हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस आती है उन्हें देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस क्लास के बाद उन्हें जरूर देखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको साइंस की क्विज लगानी है, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड साइंस की इंपॉर्टेंट क्विज, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन जो बच्चे हमेशा मुझसे पूछ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स को याद कैसे करें, तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपका क्वेश्चन ही गलत है। करंट अफेयर्स को याद नहीं किया जाता, करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज किया जाता है, अपने आप ही वो चीजें याद हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप, ये आपकी हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है कि आप इसको याद करेंगे, इसको आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, एज आपका गुरु, आपका टीचर, मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। आपको इस क्विज को लगाना है, ठीक है। और इस क्विज को लगाने के बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको एक पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। क्लियर हो गया? आज की क्लास क्विज की फॉर्म में होने वाली है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन आपको पढ़ना है और इसका आंसर करना है। हाल ही में किसे स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फटाफट से कमेंट करिए, आपका समय शुरू होता है। आप 5 सेकंड का हम टाइमर रखेंगे, बिल्कुल टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य कुमार सेन। क्लियर है? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न भी मिला हुआ है इन्हें, ठीक है। अर्थशास्त्र के काफी अच्छे जानकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? टाइम अप होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, इंडिया। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? प्रेषण का मतलब होता है कि दूसरे देश में रहने वाले जब किसी अपने देश में पैसा भेजते हैं उसे हम प्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट करिए, 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 जुलाई या 16 मई। टाइम अप होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 मई, ठीक है। आपकी रिवीजन क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मई की क्लास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल। बिल्कुल आप सभी का सही जवाब है। डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग न्यूयॉर्क में $103 मिलियन में बिकी है? पाब्लो पिकासो, समय, प्रशांत गुप्ता या फिर क्लाउड मोटेन? फटाफट से बताइए, फटाफट से। बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है पाब्लो पिकासो। फटाफट से कमेंट करते जाइए, रिविजन बहुत अच्छी हो रही है आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? फटाफट से कमेंट करिए, सुमिता मिश्रा, संतोषी मिश्रा, फटाफट से कमेंट करिए। बिल्कुल डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाजी NM। क्लियर है? इन्होंने जैव विविधता पुरस्कार 2021 को जीता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समाचार में चक्रवात तख्ते ताऊ, ये जो ताऊते आया था आपका, ये नाम किसने दिया है? हम इसको अपने वीकली करंट अफेयर्स में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? म्यांमार, ठीक है। ये भारत का नक्शा है, ये म्यांमार है, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्विज के फॉर्म में क्लास चल रही है, आपको डिटेल क्लासेस भी मिलती है, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सभी दोस्तों में शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करिए, किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? किस देश की वो महिला है? टाइम शुरू होता है अब आपका। जापान, भारत, रूस या फिर हांगकांग? बिल्कुल बिल्कुल डी हांगकांग इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग। क्लियर है? कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी, जरूर उसको डाउनलोड करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्ड वीजा दिया है? कौन सा वीजा? गोल्ड वीजा दिया है। समय शुरू होता है अब, फटाफट से कमेंट करिए। शाहरुख, अक्षय, अमिताभ या संजय दत्त? बिल्कुल नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय दत्त। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा। फटाफट से कमेंट करिए, समय शुरू होता है आपका, फटाफट से कमेंट करिए। सारे क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल हेमंत बिस्वा शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम के चीफ मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं।
अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस देश का मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? फटाफट से कमेंट करो इस सवाल का आंसर। 10 बार क्लास में करवाया, हर एक बच्चे को पीडीएफ सेंड करी गई है पर्सनली, फटाफट से करिए। बिल्कुल, क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? चाइना। क्लियर है? चीन ने अपना मार्स रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कराया है। क्लियर है? रिवीजन क्लास है, डिटेल क्लास। हमने इन करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल में भी पढ़ा है, डिटेल के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वीकली करंट अफेयर्स देखिए, दिल खुश हो जाएगा। इसमें मत बोलना कि सर डिटेल बताओ, रिवीजन क्लास है, पूरा मंथ एक बार में रिवाइज होगा आपका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? फटाफट से बताइए। दी तो वैसे भारत को जा रही थी, लेकिन भारत ने उसकी फीस नहीं फिल की, तो किसे दे दिया गया? सर्बिया को। किसे दे दिया गया? सर्बिया को। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन पे नजर डालते हैं दोस्तों, फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर करिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद की स्थापना की घोषणा कर दी है? अभी अभी बंगाल में चुनाव हुए हैं, तीसरी बार ममता बनर्जी जो है वो चुनाव जीती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर पश्चिम बंगाल। ये बात आपको पता होना चाहिए, नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल की बाउंड्री भी लगती है, प्रीवियस ईयर में 1000 बार आया हुआ क्वेश्चन। अगले पे नजर डालते हैं, अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? फटाफट से कमेंट कर दो, समय शुरू हो गया आपका। देखिए अगर आपको आते होंगे तो ये 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे रहे होंगे, नहीं आता होगा तो आपके लिए 5 सेकंड भी कम है। असम इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किसने निशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? समय शुरू होता है अब। फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट? फटाफट से कमेंट करें। बिल्कुल अमेजोन करेक्ट आंसर है। हमने फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट इन सभी का हेडक्वार्टर, इन सबके सीईओ के बारे में हम डिटेल क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में डीसीजीआई ने किस कोविड वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के लोगों के ट्रायल की मंजूरी दे दी है? कमेंट करिए फटाफट से। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल 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 कोवैक्सीन। आप तो पढ़ने भी नहीं दे रहे, इतनी जल्दी आंसर कर रहे हैं, यही चीज है जो आपको दूसरों से अलग करती है। फटाफट से अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसको उड़ा मारिए। हाल ही में बीसीसीआई के किस रेफरी का निधन हो गया है? याद करिए, रविंद्र जडेजा। मैंने आपको याद करवाया था क्लास में। बिल्कुल सर, राजेंद्र सिंह जडेजा, कैसे भूल सकते हैं सर, वायरल हो रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरान ने फजाद बी गैस परियोजना से किसे बाहर कर दिया है? फटाफट से बताइए, ईरान ने किसे बाहर कर दिया है फजाद बी गैस परियोजना से? बिल्कुल नेपाल, बांग्लादेश, भारत या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडिया। क्लियर है? इसको बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं, पोर्ट कौन सा बना है ईरान में, कौन इसका प्रधानमंत्री, कौन क्या है, सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिटेल क्लास जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए COVID-19 टीके के पहले बैच का उत्पादन करा है? किस देश ने करा है? बिल्कुल कोई नहीं, बस हमारा USSR, मतलब कि रशिया। बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा? रशिया। बिल्कुल क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका, हेमंत बिस्व शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? मुझे नहीं लगता 5 सेकंड भी ज्यादा होगा। तमिलनाडु, जल्दी आंसर करिए। असम, गोवा, कर्नाटका, क्या होगा? बिल्कुल असम इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम पढ़ के भी आ रखे हैं, क्या हो जाएगा? असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से कमेंट करिएगा, पढ़िए और फटाफट कमेंट करिए। हिंदी वाले हिंदी में पढ़े और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। विच कंट्री हैज बिल्ट इट्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिमोर्क? फटाफट से कमेंट करिए। किस देश ने सबसे शक्तिशाली, ईरान इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लास में कितनी बार आपको बताया, ये रिवीजन चल रहा है, सभी बच्चों को कमेंट करना और कंप्लीट क्लास को देखना है। आगे चलते हैं, हाल ही में ICMR ने COVID-19 की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था होम किट है, होम किट का मतलब आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा, तो सेल्फ ढूंढ लेना कहाँ है, सेल्फ ढूंढते ही 20 सवाल का आंसर आ जाएगा। ICMR की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, बस फटाफट से करते जाइए, रिवीजन क्लास है, पूरा महीना छाप दोगे आप। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च की गई? अरे बता दो फटाफट से, बता दो लाड लो, क्या आंसर हो जाएगा? DRDO, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राजनाथ सिंह, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, सारी चीजें आपको करा रखे, दिमाग में छपी होनी चाहिए आपके। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी? बताइए, जिसकी आज है वही बोलता है कि आने वाले समय में आपकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि चाइना। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर फटाफट से नजर डाल देते हैं, निम्न में से किस राज्य ने
ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया, तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा फटाफट से कमेंट करिए, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या उत्तराखंड, कमेंट करिए फटाफट से क्या आंसर होगा। बिल्कुल सर, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थानों की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? यूनेस्को के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कितने को शामिल किया गया? 6। बिल्कुल सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, 6। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट जीत लिया? फटाफट से कमेंट करो, कितनी बार मैंने बताया आपको ये, फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो बच्चे जिन्होंने वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं देखी हैं उनका यहाँ दिमाग घूम रहा होगा, जिन्होंने देखी है वो मजे से आंसर कर रहे होंगे, पेपर में भी वो ऐसे ही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? फटाफट से बता दो भाई। अंबानी? नहीं सर, अंबानी कहां से, गौतम अडानी। क्लियर है, गौतम अडानी, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो फटाफट से बता दीजिए कौन सी नदी है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी नदी है? टाइम अप होता है आपका, फटाफट से कमेंट करिए। बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, मेकांग नदी, ए सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड 19 उपकर लगाने की योजना शुरू कर दी है? मतलब इस पे ज्यादा टैक्स लगाकर ये पूर्ति करेंगे, कौन सा? नागालैंड, मणिपुर, केरल या मिजोरम, कौन सा स्टेट है? बिल्कुल नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। पूरे मई महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने, इसके बाहर एक क्वेश्चन भी आ जाए मई का तो आप मुझे बता देना सर, ये आ गया। अगला क्वेश्चन, पिनरई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा फटाफट से बताइएगा, कौन सी बार इन्होंने शपथ ली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल दूसरी बार। कौन सी बार शपथ ली है सर? दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट करिए। मार्क कोड्रोन, अनिल कुमार सचदेवा, नरेंद्र बत्रा। बिल्कुल सर, कहां हम आगे जाएंगे, नरेंद्र बत्रा ही जब हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल, हम सारा पढ़ चुके हैं, हॉकी के प्लेयर, हॉकी का मेन शब्दावली, हॉकी का जो कैप्टन है वो, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं वीकली केवल एक घंटे में, पूरे हफ्ते की एक घंटे की क्लास लेकर आते हैं, जरूर देखो उसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत में $280 अधिक हो गई है? तो हमारा पड़ोसी, हमारा लाल, क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल, क्या आंसर हो जाएगा? बांग्लादेश आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 5 राज्य हैं भारत के, इसकी बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगले क्वेश्चन पर नजर, फटाफट से छापो इसे। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से बताइए। सुबोध जायसवाल, याद आ रहा है सुबोध जायसवाल? बिल्कुल, ये देखिए फोटो, सुबोध जायसवाल इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से बताइए। हाल ही में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? फटाफट से बताइए। मिल्खा सिंह, बलबीर सिंह सीनियर? नहीं सर, मिल्खा सिंह तो हॉकी से रिलेट ही नहीं करते। फटाफट से बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ध्यानचंद, लेकिन ये भी नाम नहीं है। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 15 मिनट टारगेट है दोस्तों, बने रहो और 15 मिनट में पूरा की पूरा छाप देंगे। नोट्स नहीं बनाने हैं, पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी। भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? टाइम अप होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीरा टंडन। क्लियर है, नीरा टंडन, भारतीय मूल की नीरा टंडन बनी है कौन? बाइडेन की प्रमुख सलाहकार। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अफ्रीका गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करिए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकरण वर्मा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है आपका। आर शंट सुंदरम को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? फटाफट से कमेंट करिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या असम? फटाफट से बताइए, फटाफट से, फटाफट से बताइए। एडवोकेट जनरल, हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल तमिलनाडु इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं।
किस देश के चिड़ियाघर में माउंट बोगो शिशु का जन्म हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट से कमेंट करिए। जापान, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस, क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल पोलैंड सर, क्लियर है, लुप्त होने वाली प्रजाति है और अभी बच्चे का जन्म हुआ है। पसंद आ रहा है तो इस क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है, पहले नंबर पर कौन है, तो कौन है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जोसिडा आर्डन, क्लियर है, जोसिडा आर्डन, क्लियर है, ये रही पिक में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है, पैसेज एक्सरसाइज का किसने किया है, फटाफट से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ए, आप सभी का सही आ रहा है, इंडोनेशिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भाई फटाफट से, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निर्देश के रूप में नियुक्त किया, आरबीआई के नए कार्यकारी कौन बने हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा इसका, जोस जे कट्टर, क्लियर है, जोस जे कट्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने अपने 100% कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया, फटाफट से बताइए किसने 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, पुंडुचेरी सवाल का सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट करते रहिए, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्यान्न पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है, फटाफट से कमेंट करिए, शकुंतला हरक सिंह, स्वाति मोहन, विवेक मूर्ति या राज अय्यर, बिल्कुल सर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता, फटाफट से बताइए किसने जीता, एंड्रिया मेजा, बहुत ज्यादा पॉपुलर और वायरल हो रही है एंड्रिया मेजा, कहाँ की है, मैक्सिको की है। भारत की जो है वो कौन से नंबर पर आई है, फोर्थ नंबर पर, चौथे नंबर पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे लाइफ इन दी क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है पुस्तक, फटाफट से बताइए किसने यह पुस्तक लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शकुर राथेर, किसने लिखी है, शकुर राथेर ने, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अंटार्कटिका को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है, फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट करिए, पावर फ्लाई, फटाफट से बताइए, सी फ्लॉप, फटाफट से बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मे फ्लावर 400 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर COVID-19 विभाजित रेखा स्थापित कर दी है, तो कौन से देश ने स्थापित करी है, फटाफट से बता दीजिए कौन हो जाएगा, बिल्कुल चाइना ने करी है, किसने करी है, चाइना ने स्थापित करी है। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, कहां पहली ब्रिक्स EWG बैठक आयोजित हुई है, मॉस्को, नई दिल्ली, बीजिंग या सिंगापुर, फटाफट से बताइए, बिल्कुल सर एक ही तो जवाब है, नई दिल्ली, दिल्ली भारत का दिल, क्लियर है, दिल्ली सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित सिनाम पर्वत का ज्वालामुखी फट गया है, किस देश में स्थित सिनाबंग पर्वत का ज्वालामुखी पर्वत जो है वो फट गया है, क्या आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका या नेपाल, क्या आंसर होगा, टाइम अप होता है और इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, फटाफट से कमेंट करिए किसने शपथ ली है, बिल्कुल सर केपी शर्मा ओली, क्लियर है, केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेपाल माउंट पुमोरो को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी है, हिमा दास, आशा, बलजीत कौर या इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट से, समय समाप्त होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बलजीत कौर, क्लियर है, बलजीत कौर इस सवाल का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी के साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो क्या आंसर हो जाएगा, अमेरिका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा भी, अमेरिका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए जी, किसे नियुक्त किया है, फटाफट से बताइए किसे नियुक्त किया है, बिल्कुल सर किसको किया है, रमेश पोवार, किसे, बी रमेश पोवार इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश पोवार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो भारत, हमारा प्यारा भारत ही टॉप पर रहता है, ए पर भी टॉप पर ही है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है, फटाफट से कमेंट करिए, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा,
21 मई, 10 मई, 9 मई या 8 मई, क्या आंसर होगा? बिल्कुल 11 मई सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट से इस क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिए। गाजा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने अलस्का मस्जिद में इसराइल की ओर से दागे लाल रॉकेट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अलस्का जो मस्जिद है वो कहां स्थित है, तो जेरूसलम इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सर कितनी बार याद कराओगे आप, कितनी बार याद कराओगे? अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, फटाफट से बताइए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख कितनी बार, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, तीसरी बार, टाइम नहीं दूंगा इसमें आपको, तीसरी बार बनी है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से किसे में से कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा कर दी आरबीआई ने? फटाफट से बताइए, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़ या 90,000 करोड़? टाइम अप होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो फटाफट से बताइए, बिल्कुल 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 ऊंचाई पर जाइए, ऊंचाई पर जाओगे तो आपको सिक्किम मिल जाएगा। सर सिक्किम इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या, एम के स्टालिन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है? रवांडा, केनिया, घाना या फिर कांगो? यस यस यस, बिल्कुल सबका करेक्ट आ रहा है, कांगो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांगो। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट से बस कमेंट कर दीजिए, ये तो आपको मैंने वैसे ही बता दिए हैं। विश्व हास्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है किस दिन मनाया जाता है, मई के पहले रविवार में। कब मनाया जाता है? मई के पहले रविवार में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से कमेंट करिए, अनिल कुमार घरई, गुरदीप सिंह, रवि अरोड़ा या टीवी सोमनाथन? बिल्कुल टाइम अप हो गया है, करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है? तो उन्होंने किस यात्रा पर रोक लगाई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, चार धाम यात्रा, उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा, जिसे हम छोटी चार धाम यात्रा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पूर्व अटर्नी जनरल का 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो किसका हो गया, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, सोली सोराबजी या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सोली सोराबजी। क्लियर है, सोली सोराबजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार अगले 2 सालों में कितने लाख करोड़ रुपए का सड़क निर्माण का लक्ष्य रखेगा? तो बताइए क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करिए, 10 लाख करोड़, 12, 15 या 25? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है, 15 लाख करोड़ रुपए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा कर दी है? फटाफट से बताइए, बिहार राज्य, पंजाब, तमिलनाडु या झारखंड? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इस सवाल का, टाइम अप होता है, करेक्ट आंसर आपका तमिलनाडु। क्लियर है, तमिलनाडु इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में गोपी बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? ये किससे संबंधित है, पत्रकारों से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य ने शुरू की है, उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन को कामयाबी हासिल कर ली है? कि सिंगल डोज वैक्सीन बनेगी उसमें ही कोरोना चला जाएगा, तो रशिया, बिल्कुल रशिया ही ये सब कर रहा है, रशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पर्वतारोही में से एक बन गई है? तो कौन है भाई जो फर्स्ट टाइम 25 बार चढ़ चुकी है, कौन है भाई, कौन है, कौन से देश की है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका नेपाल की, सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश के मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सऊदी अरब भारत के साथ किस लिए मसले सुलझाएगा? तो पाकिस्तानी है सर, कौन है, पाकिस्तान के साथ ही है, ए सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए
न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, अनुपम खेर, श्रीनगर किट्टी, विजय चंद्रशेखर या फिर अच्युत कुमार। क्लियर आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल अनुपम खेर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे द अनुपम खेर शो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए। बिल्कुल राफेल नडाल सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर किसे किया गया है? राफेल नडाल को किया गया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो फटाफट से बता दिए कौन सा शिखर सम्मेलन है, कौन सा शिखर सम्मेलन है? बिल्कुल सर G7। कौन सा है भाई? सर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है, तो फटाफट से बता दीजिए शुरू किया है तो कहां पर किया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर्बिया। क्या हो जाएगा? सर्बिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? सीरिया, इराक, ईरान या अफगानिस्तान? क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सर सीरिया के बन गए हैं। कहां के बन गए हैं? सीरिया के। कहां के? सीरिया के बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया भाई एनी अवार्ड से? बिल्कुल बिल्कुल किसे करा गया है? प्रोफेसर CNR राव को। किसे करा गया है? प्रोफेसर CNR राव। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से बताइए अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहिद यूसुफ। किसे करा गया है? मोहिद यूसुफ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करी जाए तो कौन है अभी? आपके अजीत डोभाल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्म श्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है? तो किस डॉक्टर का हो गया है? बिल्कुल KK अग्रवाल। किसका हो गया है? KK अग्रवाल का निधन हो गया है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लियर है। अब दोस्तों पूरे मई के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर चुके हो। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर वीकली करंट अफेयर जरूर देखना। पसंद आए और नए हैं इस चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज और, मुझे कमेंट करके नीचे बता देना कि सर आपकी क्लास में ये चीज इंप्रूव करो या इस चीज को लेकर आओ, मैं जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।